गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? पढ़ाई कैसी चल रही है सबकी? आशा करता हूं सब अच्छे से अपने घरों में पढ़ रहे होंगे। अब देखो, हमने पिछली क्लास में किसके बारे में पढ़ा था? आर्तव चक्र के बारे में, ठीक है? लेकिन आर्तव चक्र पूरा नहीं हुआ था। आर्तव चक्र की अब हमने दो प्रावस्थाएं पढ़ी थी। दो प्रावस्थाएं कौन कौन सी? ब्लेडिंग प्रावस्था और दूसरी पुट्टिकीय प्रावस्था। तो ब्लेडिंग प्रावस्था में तो क्या होता है? रक्त का स्राव होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल या स्तर गिर जाता है, इसलिए अंडाशय का जो गर्भाशय का अंत स्तर टूट जाता है और ब्लीडिंग होती है। दूसरी प्रावस्था अपन ने कौन सी पढ़ी थी? पुट्टिकीय प्रावस्था या प्रचुरोद्भवन प्रावस्था। तो पुट्टिकीय या प्रचुरोद्भवन प्रावस्था में क्या पढ़ा था? पुट्टिकीय प्रावस्था में FSH हार्मोन तो किसको प्रेरित कर रहा था? ग्राफियन पुट्टिका के निर्माण को, और ग्राफियन पुट्टिका से एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव हो रहा था, और वो एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम ब्लीडिंग प्रावस्था में टूटी थी उसका पुनः निर्माण करता है। क्लियर बात? अब जैसे ही ग्राफीन पुट्टिका परिपक्व हो जाती है तो FSH का लेवल थोड़ा कम हो जाता है और LH का लेवल बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है? यानी 13वें दिन से LH का लेवल बढ़ना प्रारंभ हो जाता है और 14वें दिन LH का लेवल अधिकतम होता है। 14वें दिन LH हार्मोन का लेवल क्या हो जाता है? अधिकतम, जिसे अपन LH सर्ज कहते हैं, ठीक है? LH सर्ज कहते हैं। इस LH हार्मोन के अधिक होने के कारण ग्राफीन पुट्टिका फट जाती है। ग्राफीन पुट्टिका फट जाती है तो जो अंडाणु होता है या द्वितीय ओसाइड होता है वो ग्राफीन पुट्टिका से निकल करके फैलोपियन नलिका में चला जाता है। तो उस प्रावस्था को क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्ग प्रावस्था, ठीक है? तीसरी प्रावस्था कौन सी है? ओव्यूलेटरी फेज या अंडोत्सर्ग प्रावस्था। तो अंडोत्सर्ग प्रावस्था कब होती है? ये 14वें दिन होती है। कब होगी? 14th या 14वें दिन। अब देखो, अंडोत्सर्ग प्रावस्था 14वें दिन क्या होगा? LH हार्मोन का स्तर अधिकतम हो जाता है। 14वें दिन LH हार्मोन का स्तर अधिकतम हो जाता है, जिसके कारण ग्राफीन पुट्टिका फट जाती है। ग्राफीन पुट्टिका फट जाती है और अंडाणु कौन सी अवस्था में रहेगा? ये द्वितीयक ओसाइट। अंडाणु कहां चला जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन नलिका में प्रवेश कर जाता है। क्लियर बच्चों? तो ध्यान रखना, 14वें दिन LH हार्मोन है उसका स्तर अधिकतम हो जाता है, जिसे LH सर्ज कहते हैं। LH सर्ज कहते हैं। तो LH सर्ज क्या है? LH सर्ज का मतलब होता है LH हार्मोन का लेवल अधिकतम हो जाना।
एलएच हार्मोन का लेवल अधिकतम हो जाएगा उसी को क्या बोलेंगे एलएच सर्ज। अब एलएच हार्मोन का लेवल अधिक हो गया तो ये अधिक लेवल क्या करेगा ग्राफीन पुट्टिका को फटने के लिए प्रेरित करता है। जैसे ही ग्राफीन पुट्टिका फटती है तो अंडाणु ग्राफीन पुट्टिका से निकल करके फैलोपियन नलिका में चला जाता है। इसलिए इस प्रावस्था को क्या बोलते हैं अंडोसरग प्रावस्था। क्लियर। अब इसके बाद अंतिम अवस्था कौन सी आएगी ल्यूटियल प्रावस्था या पश्च अंडोसरग प्रावस्था भी कहते हैं। ल्यूटियल प्रावस्था को क्या बोलते हैं पश्च अंडोसरग अवस्था। तो चौथी प्रावस्था कौन सी हो जाएगी पश्च अंडोसरग प्रावस्था। पश्च अंडोसरग प्रावस्था या दूसरा नाम क्या इसका ल्यूटियल प्रावस्था। यह जो प्रावस्था है यह सबसे लंबी प्रावस्था होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की चार प्रावस्थाएं हैं उनमें सबसे छोटी अंडोसरग प्रावस्था एक दिन की होगी और सबसे बड़ी पश्च अंडोसरग प्रावस्था होती है। यह लगभग 14 दिन की होती है। ठीक है तो यह कब होती है ये 15वें दिन से 28वें दिन तक। तो कितने दिन की हो गई ये 14 दिन की अवधि होती है। कितने दिन की होगी 14 दिन की। तो सबसे क्या होगी ये लंबी प्रावस्था। यह है सबसे लंबी प्रावस्था है सबसे लंबी प्रावस्था। ठीक है अब अपन बात करते हैं इस प्रावस्था में क्या होगा। तो अंडाशय की संरचना को देखो दोबारा से दिमाग में लाओ उसको। 14वें दिन अंडोसरग होता है यानी ग्राफीन पुट्टिका फट जाती है। तो ये जो फटी हुई ग्राफीन पुट्टिका है ये एलएच हार्मोन के कंट्रोल में किसका निर्माण करती है एक अस्थाई संरचना का निर्माण करती है जिसको क्या बोलते हैं अपन कॉर्पस ल्यूटियम। क्लियर बात। तो आगे ध्यान रखना इस प्रावस्था में फटी हुई ग्राफियन पुट्टिका एलएच हार्मोन के नियंत्रण में किसका निर्माण करेगी कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण करती है। कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण। ठीक है बच्चों तो कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण हो गया। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगी तो कॉर्पस ल्यूटियम किसका स्राव करेगी हार्मोन का। कौन से हार्मोन का प्रोजेस्ट्रोन व एस्ट्रोजन। प्रोजेस्ट्रोन और एस्ट्रोजन का स्राव कौन करेगी कॉर्पस ल्यूटियम। अब देखो ये एस्ट्रोजन हार्मोन है ये ग्राफीन पुट्टिका या थीका इंटरना द्वारा भी स्रावित होता है और कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा भी स्रावित होता है लेकिन यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम से ये कम मात्रा में स्रावित होगा और अधिक मात्रा में कौन स्रावित होगा प्रोजेस्ट्रोन। तो ध्यान रखना बच्चों कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है और एस्ट्रोजन हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होता है। अब प्रोजेस्ट्रोन अधिक है तो ये प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन क्या करेगा तो ध्यान रखना
जो प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन है, ये प्रोजेस्ट्रोन गर्भाशय को प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन क्या करेगा, गर्भाशय को गर्भधारण व अंतःरोपण के लिए तैयार करता है, अंतःरोपण के लिए तैयार करता है। ठीक है, क्योंकि निषेचन की संभावना कब होती है, अंडोसरक के बाद, जब फैलोपियन नलिका में अंडा और शुक्राणु एक साथ आते हैं तब निषेचन की संभावना होती है। तो अंडोसरक हो चुका है, मतलब अंडाणु कहां चला गया, फैलोपियन ट्यूब में, तो अब निषेचन की संभावना है, इसलिए गर्भाशय इस गर्भधारण और अंतःरोपण के लिए पहले से तैयार होता है। तो गर्भाशय को गर्भधारण और अंतःरोपण के लिए तैयार कौन करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव किसके द्वारा होता है, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, तो फटी हुई ग्राफीन पुट्टी का LH हार्मोन के नियंत्रण में कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण करती है। क्लियर बात। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भाशय को गर्भधारण और अंतःरोपण के लिए तैयार करता है। अब यदि निषेचन हो जाता है, यहां पर दो कंडीशन ध्यान रखनी है आपको, एक तो यदि निषेचन हो जाए तो क्या होगा, और यदि निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा। तो ध्यान से सुनना इस बात को, यदि निषेचन हो जाता है, निषेचन हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम बनी रहती है, कॉर्पस ल्यूटियम में बनी रहती है, मतलब प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता रहता है। ठीक है, अब जब तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहेगा अंतःस्तर नहीं टूटेगा, यानी ये कॉर्पस ल्यूटियम गर्भाशय के अंतःस्तर को टूटने नहीं देगा, क्योंकि ये प्रोजेस्टेरोन का स्राव करेगा और प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय के अंतःस्तर को बनाए रखता है। तो यदि निषेचन हो जाता है, निषेचन हो जाता है तो महिला बच्चे के जन्म तक या प्रसव तक इस ल्यूटियल प्रावस्था में रहती है। क्लियर बात। और यदि निषेचन नहीं होता, निषेचन नहीं होता तो धीरे 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 कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट होना प्रारंभ हो जाती है। यानी जब कॉर्पस ल्यूटियम बढ़ती है 15वें दिन, तो बढ़ने के लगभग 8 से 9 दिन बाद ये धीरे धीरे टूटना प्रारंभ हो जाती है, यानी नष्ट होना प्रारंभ हो जाती है। और नष्ट होती हुई कॉर्पस ल्यूटियम को क्या बोलते हैं, कॉर्पस एल्बिकेंस। अब जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाएगा, ये प्रोजेस्टेरोन का स्तर क्या हो जाएगा, कम। और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम होगा तो गर्भाशय का अंतःस्तर फिर से टूटेगा और ब्लीडिंग प्रावस्था पुनः प्रारंभ हो जाती है। क्लियर बात। तो देखो बच्चों, इस प्रावस्था में क्या हो रहा है, यहां पर गर्भधारण और अंतःरोपण के लिए तैयार कौन कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन। अब देखो, यदि निषेचन हो जाए, निषेचन हो जाए तो क्या होगा, तो मादा या महिला प्रसव तक ल्यूटियल प्रावस्था में रहती है, ल्यूटियल प्रावस्था में, यानी उसमें कॉर्पस ल्यूटियम बना रहेगा। ठीक है बच्चों, ल्यूटियल प्रावस्था में रहती है, पहली तो ये कंडीशन ध्यान रखनी है। दूसरी, यदि निषेचन न हो, निषेचन न हो, निषेचन नहीं होगा तो
कॉर्पस ल्यूटियम, बनने के 8 से 9 दिन बाद। नष्ट होना प्रारंभ हो जाती है, 8 से 9 दिन बाद नष्ट होना प्रारंभ हो जाती है। और नष्ट होती हुई कॉर्पस ल्यूटियम को क्या बोलते हैं? नष्ट होती कॉर्पस ल्यूटियम को कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं। क्या कहेंगे? कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक है, फिर यदि कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाएगी तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिर जाएगा, और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिरेगा गर्भाशय का अंतःस्तर फिर से टूटेगा, और गर्भाशय का अंतःस्तर जैसे ही टूटता है ब्लीडिंग प्रावस्था पुनः प्रारंभ हो जाती है। क्लियर बच्चों? ये हो गई किसकी? 4 प्रावस्थाएं अपन ने मेंस्ट्रुअल साइकिल की यहां पर देख ली है। अब मैंने यहां पर एक ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ से अपन को यह समझना है कि ये जो आर्क चक्र होता है इसमें कौन कौन से हार्मोन होते हैं और कौन से हार्मोन का लेवल कब अधिक होगा कब कम होगा। ठीक है, देखो सामने सबको ग्राफ दिख रहा है। यहां पर देखो ऊपर मैंने 2 हार्मोन लिखे हैं LH और FSH, 2 हार्मोन नीचे की ओर हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो देखो पहली प्रावस्था ब्लीडिंग प्रावस्था 1 से 4 या 5 दिन रहती है, 5 से 13 दिन तक कौन सी अवस्था होती है? पुट्टी की प्रावस्था, 14 दिन अंडोस्रव प्रावस्था, और उसके बाद ल्यूटियल या फर्स्ट अंडोस्रव प्रावस्था। ठीक है, तो पहले अपन बात करते हैं LH और FSH हार्मोन की। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है अंडोस्रव प्रावस्था यानी 14वें दिन LH और FSH का लेवल अधिकतम होता है। LH और FSH हार्मोन का लेवल अधिकतम कब होगा? अंडोस्रव प्रावस्था यानी 14वें दिन। ठीक है, इससे पहले और इसके बाद इनका लेवल क्या होता है? कम। अधिकतम लेवल LH और FSH का कब होगा? 14वें दिन। एक तो ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरी, यहां पर देखो एस्ट्रोजन हार्मोन है, और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव किसके द्वारा होगा? ग्राफीन पुट्टिका की थीका इंटरना। अब ग्राफीन पुट्टिका कौन सी प्रावस्था में बनेगी? पुट्टी की है प्रावस्था में। किसमें बनेगी? पुट्टी की है प्रावस्था में। तो पुट्टी की प्रावस्था में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, और ल्यूटियल प्रावस्था में इसका स्तर क्या हो जाता है? कम। और ल्यूटियल प्रावस्था के अंत में वापस इसका थोड़ा स्तर क्या होता है? बढ़ता है। तो फिलहाल आपको ध्यान क्या रखना है कि जो एस्ट्रोजन है उसका लेवल किस प्रावस्था में ज्यादा होगा? पुट्टी की प्रावस्था में। और जो प्रोजेस्टेरोन है उसका लेवल किस प्रावस्था में ज्यादा होगा? ल्यूटियल प्रावस्था में। ठीक है, तो ये 4 हार्मोन है LH, FSH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो आठवां चक्र को क्या करेंगे? नियंत्रित करते हैं। ठीक है, आठवां चक्र को नियंत्रित करने वाले हार्मोन कितने हैं? 4 LH और FSH। ये दोनों तो किसके द्वारा स्रावित होंगे? अग्रपीयूष ग्रंथि के द्वारा। एक है एस्ट्रोजन, ये किसके द्वारा स्रावित होगा? तो ध्यान रखना एस्ट्रोजन ग्राफीन पुट्टिका की थीका इंटरना के द्वारा स्रावित होता है। और प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन किसके द्वारा स्रावित होगा? तो ध्यान रखना कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा। तो कॉर्पस ल्यूटियम से दोनों हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन भी निकलता है और प्रोजेस्टेरोन भी स्रावित होता है, लेकिन जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो ज्यादा मात्रा में होता है और एस्ट्रोजन कम मात्रा में होता है। ठीक है बच्चों, तो ये कौन सी प्रावस्था पढ़नी पड़ी है? आर्तव चक्र। ठीक है, आर्तव चक्र की टोटल कितनी प्रावस्थाएं ध्यान रखनी है आपको? 4 प्रावस्थाएं।
ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, ये तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन। क्यों? क्योंकि ये गर्भाशय को गर्भधारण और अंतःरोपण के लिए तैयार करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन। ठीक है। फिर यदि आपसे पूछ लिया जाए क्या कि जो प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, तो आंसर क्या होगा? गर्भाशय को अंतःरोपण और किसके लिए तैयार करेगा? रोपण के लिए तैयार करेगा। ठीक है, धन्यवाद।